तूफान एक कमर तोड़ी, बुखार बर्बाद कर रहा है, बाढ़ के लिए योगी का हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार और डेंगू से त्राहिमाम मचा है। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में संदिग्ध वायरल डेंगू और फ्लू का प्रकोप है। सबसे ज्यादा केस फिरोजाबाद और मथुरा में मिले हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। सूबे के मेट्रो शहरों में तो हालात और पतले होते जा रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में अस्पतालों की ओपीडी बुखार पीड़ितों से भरी पड़ी है। इन शहरों में हर रोज लगभग 300 से 400 मरीज बुखार की शिकायत लेकर आ रहे हैं। प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बड़े पैमाने पर बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों में से लगभग 10% की हालात गंभीर हो रहे हैं, जिन्हें भर्ती किए जाने की जरूरत पड़ रही है। बीमारी से जुड़े सवालों पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि डेंगू और संदिग्ध वायरल से जो मौतें हुई हैं वह ज्यादातर निजी अस्पतालों या घरों में हुई हैं, जिनका सैंपल हम लोग नहीं ले सके थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों की जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वह छोटे अस्पतालों में न जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस रहस्यमयी बुखार में दो बीमारियों का नाम बताया है। पहला लेप्टोस्पायरोसिस और दूसरा स्क्रप्टाइफस है। एक तरफ बुखार की मार है तो दूसरी तरफ बाढ़ से भी उत्तर प्रदेश बेहाल है। उफनाई नदियों की बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 875 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इनमें से 578 गांवों का संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट गया है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, पीलीभीत, संत कबीर नगर तथा सीतापुर के 875 गांव प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिला गोरखपुर में दो स्थानीय लोगों का कहना है कि 23 साल से ऐसी बुरी हालत नहीं देखी। दूसरी तरफ स्थानीय लोग प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। आलम यह है कि लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो रहे हैं। पानी सड़कों और घरों के बाहर ऐसे भरा है जैसे रास्ते नहीं तालाब बन गए हों। फसलों और जानवरों का भी बुरा हाल है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। वहीं बात अगर बहराइच की करें तो बहराइच में आधा दर्जन संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी भर गया है। तीनों बैराजों से शनिवार को 3,39,975 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नतीजन घाघरा का जलस्तर 1150 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश बुखार और बाढ़ से परेशान है। मुख्यमंत्री हैं कि हवाई दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वह हवाई यात्रा से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बचाव कार्य की क्या स्थिति है, उनके द्वारा बनाई गई टीम और पहुंचाई गई सुविधाएं पहुंच भी रही हैं या नहीं। नीचे जनता मर रही और आसमान से योगी जी गिनती करने निकले हैं। अक्सर विपक्षी पार्टियों के समारोह और रैलियों को पिकनिक का नाम देने वाले योगी इस हवाई सर्वेक्षण से कितने लोगों को मदद पहुँचाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप